मैडम स्वागत है आपका बंदी संयम के न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी, आप देखते हैं दिनभर की खास खबर। आगामी समय में जिला पंचायत चुनाव को लेकर एडीएम वृंदावन सिंह ने रखी बैठक, जिले भर के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। कोविड 19 से बचाव हेतु 100 करोड़ से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। शपथ कार्यक्रम के बाद श्रेष्ठ कार्य करने वालों का हुआ सम्मान। और ग्रामीण अंचल से आए परेशान लोगों की समस्याएं सुनी कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने, शीघ्र समस्या निदान का दिया आश्वासन। अब खबर विस्तार से। देश में 100 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड 19 का टीकाकरण होने पर जिला अस्पताल में शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शपथ कार्यक्रम के बाद श्रेष्ठ कार्य करने वालों का सम्मान एवं उनका उत्साह वर्धन किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, CMHO सहित स्वास्थ्य अमला मौजूद रहा। इसलिए कि हमारे यहाँ देश में कोरोना से लड़ने की तैयारी नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, हॉस्पिटलों की संख्या कम थी। 130 करोड़ जिला अस्पताल की प्रसिद्धि बारी, यहाँ पर क्या कार्य हुआ आज? यहाँ पर हमने सुबह 100 करोड़ कोविड 19 वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है, और इसी उपलक्ष्य में हम हर ब्लॉक में और जिला मुख्यालय पर एक एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, और एक एक वर्कर को अभी हम सम्मानित कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि जो है उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। जनता के सहयोग से ये हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, और आगे भी हम ऐसे वर्करों को सम्मानित किया जाएगा राज्य स्तर से जिन्होंने ज़्यादा वैक्सीनेशन किया है, और इसी क्रम में हम पूरे ब्लॉक में हर सारे ब्लॉक में एक एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, और राज्य स्तर से ये सारे पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई की। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला विदिशा। आज जिला अस्पताल की जो पुराना वार्ड है अपना कुछ भी वार्ड है, यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम हुआ और क्या कार्यक्रम है? आज हमारे पूरे देश ने कोविड वैक्सीनेशन के जो डोज पूरे 100 करोड़ डोज पूरे कर लिए हैं, और हमारे विदिशा जिले ने 12,75,000 डोज पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे जिले में सभी ब्लॉकों में इसका जश्न मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ विकलांग पुनर्वास केंद्र में जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें कि हमारी एक ANN जिसने सबसे ज़्यादा टीके लगाए अभी तक लगातार काम कर, उसका सम्मान टंडन जी द्वारा किया गया, हमारे जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, उनके द्वारा उनका सम्मान किया गया, और उनके द्वारा जो है यहाँ पे जश्न मनाया गया, और सभी इसमें सभी स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, सभी पत्रकार बंदियों ने, सभी ने जो सहयोग दिया। आपने यहाँ पर जो किस तरीके का सम्मान किया गया था मुकेश टंडन जी द्वारा? मुकेश टंडन जी द्वारा मेरा सम्मान किया गया CMO सर के कहने पर, या सभी लोगों के कहने पर, इस उपलब्धि पर। सर जो भी अपने विदिशा जिले में इंजेक्शन लगे हैं, मतलब सॉरी सिटी हॉस्पिटल में, और यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है, सबसे अधिक टीकाकरण मैंने किया है अभी तक, मैंने अभी तक 45,703। 21 अक्टूबर को पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विधायक शशांक भार्गव, भाजपा नेता मुकेश टंडन, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, SP मोनिका शुक्ला, शहर के वरिष्ठ जनों सहित पुलिस बल के साथ परिजन मौजूद रहे। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों का सम्मान हुआ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री UP सिंह, अपना बलिदान देते हैं ताकि इस देश में शांति बनी रहे एवं आम आदमी का जीवन सुरक्षित हो सके, देश में एकता बनी रहे व देश की अखंडता पर कोई आंच ना आ सके।
को संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिवर्ष शहीद दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हमने आज पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड पर शहीद दिवस में परेड का आयोजन किया गया था तथा विगत एक वर्ष में भारतवर्ष में जो भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए थे उनको पुलिस अधिकारियों द्वारा माननीय गणमान्य नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पुष्पगुच्छ एवं रीथ चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हमको ध्यान देना है कि हमारे जो शहीद अधिकारी हैं उनके परिवार को हमें इज्जत देनी है और उनका केयर करते रहना है। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में ही विदिशा जिले में आज 3 दिवसीय खेलों का आयोजन किया गया है जिसमें अभी महिला वर्ग पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया है। साथ ही पुलिस एवं पब्लिक के मध्य रस्साकशी का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 3 दिन तक चलेगा। मैं आपने मेरे ध्यान में लाया है, इसको हम दिखवा कर जो उचित कार्रवाई वो करेंगे। कलेक्ट्रेट की सभागार में आगामी समय में जिला पंचायत चुनाव को लेकर एडीएम वृंदावन सिंह ने जिले के प्रमुख अधिकारियों की बैठक आयोजित की। तो ऐसा प्लीज ना होने में मृत मतदाताओं की जानकारी या स्थायी तौर से स्थानांतरित मतदाता ऐसा आपको लग रहा है उनके होगा, पीठासीन अधिकारी उस लेवल पर कुछ नहीं कर पाए और ये स्थितियां आएंगी। पता चला के पंच का निश्चय एक मत से हो गया और फर्जी वोटर डाल के चला गया। एसडीएम कार्यालय के सभागार में जनपद निर्वाचन की सूचियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां ना हो इसका सर्वे कार्य चल रहा है। कार्य का सर्वे करने वाले आर के निगम द्वारा जानकारी दी गई। यहाँ पर किस तरह की बैठक चल रही है? यहाँ पर पंचायत निर्वाचन के संबंध में पटवारी और पंचायत सचिव की संयुक्त मीटिंग रखी गई है। ये मतदाता सूची की जो हेडर फुटर की और उसकी मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं तथा मतदाता सूची में जो गणमान्य प्रतिभाशाली जनप्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशियों के नाम है उनकी सूची तैयार कर रहे हैं और हम इस चीज़ की जांच करके प्रमाणीकरण के साथ ये सूची उनके द्वारा सौंपी जाए। सिरोंज तहसील की पंचायत बाजीपुर से एक महिला अपने पति के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंची जहां उसने बताया कि ग्राम के ही सरपंच ने उसके साथ मारपीट कर छेड़खानी की है। सरपंच पर कार्रवाई की मांग पीड़िता द्वारा प्रशासन से की गई है। भाई कहाँ रहती है? वजीरपुर। क्या हुआ आपके साथ? मारपीट। किसने की थी? सरपंच साहब ने, रघुवीर सीताबाई सरपंच ने, भगत उनका लड़का श्याम। कहाँ के सरपंच? वजीरपुर के। कौन सी तहसील लगती है? सिरोंज। किस बात को लेकर मारपीट हुई थी आपकी? वोट के ऊपर। वोट मतलब चुनाव के ऊपर। अभी तो चुनाव चल नहीं रहा। हाँ, उनके बीच में हम बोले तो हमें मारने लगा है। तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई वहाँ पे आपकी? हाँ कर रही है। क्या चाहते क्या आप लोग? हम कुछ भी नहीं। नहीं आपका चाहते, आपका चाहते हैं रिपोर्ट होने के बाद? हम ऐसे चाहते हैं सर, उनको जेल भेजा। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने ग्रामीण अंचलों से आए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना और शीघ्र ही समस्या निदान की बात उन्होंने कही। मिल चुके हैं भैया। क्या हुआ है कि हमने एक तो ये जीवो साहब ने जो लेटर दिया था उन्होंने बात करी हमसे दिया उस संबंध में हमने उनसे कम से कम 4-7 उनकी तनख्वाह नहीं हो पा रही। हमने जो भरपुर शासन का अभी आदेश निकला था वो भी हमने वो भी उनके 4-5 हज़ार रुपये दिया कॉपी भी पास किया और अभी तो शासन में जो रहे मुझे मुझे शहर की जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा माधव उद्यान के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था। इस मौके पर विधायक शशांक भार्गव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद थे। उन्होंने गिरवी रखने की बेचने की कोशिश की, गुजरात से व्यापारी ठेकेदार बुलाकर जिस हमारे धरना स्थल पे हम बैठे हुए हैं इसके बाजू में ही आप देखिएगा क्या यही रास्ते होते हैं शहर के। रेल विभाग के द्वारा बनाए गए 3 अंडरब्रिज विदिशा में जो कि 12 महीने चालू नहीं रहते, कभी भी इनमें पानी भर जाता है। अभी 3 दिन पहले की बात है कि करीब 1 मीटर पानी इस ब्रिज में भर गया था और इस पानी के भरने से जो हमारा नीम ताल है
उसमें सीवर लाइन का पानी जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से रेल मंत्री से निवेदन है कि इन तीनों अंडरब्रिजों को सही किया जाए। एक हमारा जो ओवरब्रिज है उसमें से एक लेग सौंठिया की तरफ उतारा जाए और एक लेग कोर्ट की तरफ उतारा जाए, जिससे कि इस समस्या का निजात हो। न्यू अंतरव्यास से लेकर बराखेड़ा तक रोड रेलवे के खर्चे में बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंडरब्रिज बना के उसको सही नहीं बनाया, जिसकी वजह से बराखेड़ा की जनता परेशान है। आज मंडी में खरीदी होती है और खरीदी होने के बाद पुरानी मंडी में तुलाई करने जब हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं तो वहाँ का भी अंडरब्रिज में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत आती है और हर समय विदिशा में कोई ना कोई हादसे की एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। बासुदा के निमोदिया गाँव के लोग जिला मुख्यालय है, जहां उन्होंने बताया कि केवट समाज के मंदिर पर रेत व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से रेत पटक दी गई है और अतिक्रमण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय आकर सभी ने प्रदर्शन कर प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। वह पूर्व में भी कई बार प्रशासन से सहायता के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ना सुनने पर आज सभी ने जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन के दौरान अपनी बात कही। बासोदा टीआई, उनको सस्पेंड किया जाए और इनका स्थानांतरण किया जाए। नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजेश कटारे, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री। कलेक्टर उमा शंकर भार्गव जी से मिले, क्या मामला था पूरा? मामला ये है हमारा कि विदिशा नगर पालिका में सफाई कार्यरत पे जो हमारे कर्मचारी काफी दिनों से चले आ रहे हैं, उनको स्थायीकरण नहीं किया जा रहा। स्थायीकरण की लड़ाई हमारी आज से 5-6 साल से पुरानी चली आ रही है और आप लोगों के माध्यम से विदिशा शहर में जो कर्मचारी हमारे हैं वो उनको ना तो उतनी वेतन दी जा रही है, ना समय पे उनको जो है वेतन बढ़ाई जा रही है। जितने पे हमारे विनियमितीकरण वालों को 10,000-12,000 रुपये फिक्स किया है वो करा ही है। वो क्या आश्वासन मिल रहा है? माननीय कलेक्टर साहब ने किया, मैं देखता हूँ, करवाता हूँ इसको। आज की खबरों में बस इतना ही, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा।